नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 अक्टूबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। जी दोस्तों, ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, मंडी में कितनी गाड़ियाँ, कितना बैलेंस, आज की क्या स्थिति है जी। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के यहाँ क्या पोजीशन, ये गाड़ियाँ आई भाई साहब के। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या पोजीशन है जी, कितनी गाड़ियाँ है जी मंडी में जी। राणा जी, मंडी के अंदर वैसे जो रिपोर्ट बनाई है इन्होंने वो बनाई थी 170 गाड़ी की, जो सुबह की काउंटिंग होती है। अच्छा जी। 170 गाड़ी में से 64 गाड़ी तो कल की बैलेंस है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा गाड़ियां बाद में आई हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट बनी है वो बनी है 190 गाड़ी की। 190 गाड़ी की, 187 से 190 गाड़ी के बीच में मंडी में आ चुकी है। और आप शायद तो मंडी में आए हो, आपने देखा होगा हम तो यहाँ आगे पूरी टोर शौचालय तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा जी। राणा जी, इसमें देखो ऐसा है, ये अभी का नहीं है, हर साल से हम देखते आ रहे हैं, हर साल से यही चीज हो रही है। हाँ जी। कि पहले दो तीन नराते जो होते हैं वो बढ़िया निकलते हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद मंडी में अराइवल 200 तक टच करती ही करती है। अच्छा। ये हर साल की एक ना एक रीत बनी हुई है। अच्छा जी। कहते हैं ना, पहले दूसरे नराते तक आलू जो है वो खूब बिकता है, उसके बाद जो है आलू की जो सेल है ना वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी। और नराते के 10-1 दिन तक जो है वो सेल वो कमजोर ही रहती है। हाँ जी। अब आगे जब ये थोड़ा दशहरे का त्यौहार है तब थोड़ी सी इसकी उठाव देखने को इसमें मिलेगा। प्लस जो मेजर चीज है इस टाइम गाड़ियों का बढ़ने का, प्लस ये हमारा डंप बढ़ने का, वो यही कारण है कि इस टाइम मंडी के अंदर जो है वो क्वालिटी की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। अच्छा। इसमें जो तो बढ़िया गाड़ियां होती हैं वो तो सुबह सुबह भी उड़ जाती हैं। अच्छा। आधी कुछ रात को उड़ जाती हैं, कुछ सुबह उड़ जाती हैं। अच्छा। और जो ये हल्की गाड़ियां हैं जिससे मंडी भरी हुई है, यही हमारा डंप बढ़ा रही है, और यही जो इस टाइम मैक्सिमम गाड़ियां जो मंडी में आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी। अब हमारा कई किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं मंडी में इतनी गाड़ियां आ रही है कि बिकेगा नहीं बिकेगा क्या होगा। अच्छा। लेकिन हम उनको ये चीज समझाना चाहते हैं, जो क्वालिटी वाले आलू हैं उनको गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 10-20 ऊपर नीचे अपने घर के अपनी जगह पे वो बिकेंगे। अच्छा। जो ये दूसरे आलू है इनके ऊपर मेन इनका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा। अच्छे आलू तो देखो रुकेंगे ही नहीं, चाहे वो 200 हो जाए, चाहे 250 हो जाए, चाहे 100 गाड़ी हो जाए, उन्होंने बिकना ही बिकना है। अच्छा। वो रेट के ऊपर जरूर 10-5 ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन वो माल बिकेंगे ही बिकेंगे। अच्छा जी। ग्राहक उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो दिल्ली की आबादी आप खुद देखते हो कितनी है, कितने बंदे बैठे हैं आलू खाने के लिए। आज हर गरीब परिवार के अंदर, हर रोटी में, हर सब्जी के अंदर जो है इस आलू डल रहा है। ठीक है जी। हर परौंठा आलू के साथ, समोसे, टिक्की, हर चीज। प्लस जो है मौसम में जो ठंडक आनी शुरू हुई है, हमको यही उम्मीद है, हम यही थोड़ा सा कहते ना भगवान से ये घोषणा करते हैं, ये थोड़ी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि थोड़ा मौसम ऐसा बनाए रखें ताकि जो ये जो टिक्की, पापड़ी, समोसे वगैरह है, ये जो सीजन जो है ऐसा चले जिसमें आलू की ज्यादा से ज्यादा खपत हो पाए। ठीक है जी। जी, अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की। हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं जो गाड़ियाँ ये आपके 37-97 स्टोर की जो हम गाड़ियाँ कहते हैं, जो हमारी 37-97 मोहन हो गई, ये आपकी सामने ख्याति वगैरह हो गई। हाँ जी। ये सब कुल मिला के इनकी जो आई है वो आई है 94 से 95 गाड़ी। अच्छा जी। मोटा मोटा 100 गाड़ी मान के चलो। अगर हम मान के चलते हैं संभल की, संभल से आई है 7 से 8 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिप्सोने की, तो चंदोसी का चिप्सोने की आई है 27 से 28 गाड़ी। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो सूर्या की आई है 24 से 25 गाड़ी। हाँ जी। ये सामने चंदोसी बिसोली की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं एलआर की, तो एलआर की भी आई है 14 से 15 गाड़ी। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब से जो मीठे आलू या कंपनी वाले आलू आ रहे हैं, ये आई है 3 से 4 गाड़ी। ठीक है। एक आध गाड़ी जो आ रही है वो आ रही है हल्द्वानी वगैरह से। हाँ जी। तो कुल हमारे पास जो है वो 65 गाड़ी कल का बैलेंस होने के बाद आज मंडी में मोटा मोटा 190 गाड़ी के आसपास हमारे पास बन रही है। हाँ जी। जो कि हमको लगता है कि ये थोड़ी सी अराइवल जो है वो ज्यादा है। हाँ। और ये जो चीज है ये तभी कंट्रोल हो सकती है जब जो है ग्राहक अपनी लेने की कैपेसिटी बढ़ाए, और प्लस जो ये क्वालिटी जो कहते हैं ना, जो हल्के आलू है ये मंडी में आने बंद हो। ठीक है। ये मेजर जो हल्के आलू है, आप मैं बार बार हाइब्रिड आलू को देखो हम लोग नहीं टारगेट कर सकते, क्योंकि हम अब तक हर बंदे तक ये चीज पहुंचा चुके हैं कि ये आलू का जितना भी कहते हैं ना, जितना भी कूड़ा हो रहा है ये सब हाइब्रिड आलू के चक्कर में हो रहा है। हाँ जी। ना ये आलू होता, ना ये मंडियों में आता, और ना बाकी आलू के ऊपर फर्क पड़ते, और ना ये स्टोर वगैरह भरते। ठीक है जी। तो इस चक्कर के अंदर हम लोग हर बार यही चीज बोलते के स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिड आलू के ऊपर कंट्रोल रखें। ये जितनी भी गाड़ियां हैं हर बंदा कोशिश कर रहा है इस टाइम अपना आलू निकालने का। मैं वही चीज बोलना चाहता हूँ, जो आपको लगता है जो क्वालिटी आज की डेट में आजादपुर मंडी के हिसाब से है, उस क्वालिटी को मंडी में भेजो।
अच्छा, जो आपको लग रहा है आलू हल्के हैं, कच्चे छिलके वाले हैं, थोड़ा एक आध दो दाने उसमें डैमेज है, या किसी में हरेपन ज्यादा है, या कोई क्वालिटी ऐसी है जो आजादपुर मंडी को मैच नहीं कर पाएगी, हाँ जी, क्योंकि हम रोज इंटरव्यू आप ले रहे हो, हम रेगुलर अपनी बता रहे हैं कि मंडी में कैसी क्वालिटी मंडी में बिक रही है, ठीक है जी। तो ये हल्की क्वालिटी को जो है आपने आसपास लोकल मंडियों में निकाले, और जो मंडी हमारी आजादपुर में चलती है, जो क्वालिटी हमारी आजादपुर में चलती है, हाँ, उसी क्वालिटी को मंडियों में भेजे, ताकि हर क्वालिटी के हिसाब से किसान को रेट अपना अच्छा मिल पाए। आज एलआर की कितनी हो रही है टोटल? एलआर की राणा जी सारे मूल मिला के मान के चलो 14 से 15 गाड़ी के लगभग आई हुई है मंडी में। अच्छा जी, एलआर की, और इसके अंदर जो है आपकी पंजाब से भी आ रही है, डी से गुजरात से भी आ रही है, आपकी यूपी से भी आ रही है, आज कुछ इंदौर से भी है। राणा जी ये सामने इंदौर गुजरात वाली है, वो आगे वाली पंजाब वाली है, हाँ जी। ये वाले जो आलू हैं ये इंदौर के हैं, ये इनका मान के चलो 15 से 16-17 रुपए। अच्छा, जो गुजरात वाला है वो मान के चलो जो वेफर पास है वो 20-22 रुपए, हाँ, जो वेफर पास नहीं है वो 15 से 20 रुपए किलो के बीच में। और यूपी वाले जी जो यूपी पंजाब वाले हैं, इनकी जो रेंज है वो 600-650 है। अच्छा, ये मीठे आलू है। अच्छा, ये वाला ये थोड़ा हमारे खास किसान थे, उसका आलू रखा हुआ था मीठा। अच्छा, वैसे मंडी में हमारी बिकता नहीं है। अच्छा, लेकिन उनके पास एक गाड़ी बची थी तो उन्होंने यहाँ पे भेज दी, तो जो मीठे की जो कीमत है वो मान के चलो 550 से 600, जो बढ़िया आलू है वो 600 से 650 एलआर की। आज के 37-98 के रेट जी? 37-98 की रेंज बढ़ाना जी वही चलेगी, 500 से लेकर 550, जो अच्छे बढ़िया आलू है, जो टॉप आलू रात को उठ रहे हैं वो 560-570 रुपए, जो हल्की क्वालिटी है वो 460-470 रुपए से लेके 480 रुपए 500 रुपए तक बिक जाती हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 400, 425, 450, 302 आलू 450, 500। अगर हम बात करते हैं चंदोसी के चिप्सोने की, उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 700 रुपए से लेके 750, हाँ जी। जो गाड़ी रात को उठ रही है वो 800 रुपए लग जाती है, हाँ जी। जो कच्चे छिलके वाले आलू हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा पाउडर की शिकायत आती है, जिसमें पाउडर अच्छा से नहीं लगा, या चिप्सोना 3 है, या प्रॉपर उसमें कहते हैं ना निशान है खाद बात का, वो 650 से 700 के बीच में। इन्हीं का अगर हम गुल्ले की बात करते हैं तो 2 नंबर के इनका गुल्ला आता है वो 600-650 रुपए, जो 3 नंबर का गुल्ला आता है वो 500-550 रुपए। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं आगरा अलीगढ़ के चिप्सोनों की, तो उनकी जो रेंज है वो 550-650-600 रुपए तक की रेंज में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सूर्य की, जो चंदोसी बिसोली बजीरगंज से आ रहा है, उनकी जो रेंज है वो आप मान के चलिए बढ़िया 800 रुपए से लेके 900 रुपए तक। अच्छा, बढ़िया कोई गाड़ी रात को उठ रही है वो 950 लग जाए, 1000 लग जाए, 1020 रुपए लग जाए, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। आज की डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं हल्की क्वालिटी से बढ़िया क्वालिटी में, एक ही अगर सेम चीज आलू जाए सूर्य को मिल लेते हैं, हाँ जी, एक होगी हल्की क्वालिटी, एक होगी बढ़िया क्वालिटी, एक ही इलाके से दोनों चीजें आ रही है, हाँ जी, इसी के अंदर हमको 200 से 250 रुपए का फर्क देखने को मिल जाएगा। अच्छा, क्यों मिलेगा? क्वालिटी के ऊपर, उसके ग्रेडिंग के ऊपर, जितनी हाँ बढ़िया उसकी ग्रेडिंग होगी, जितनी बढ़िया उसमें क्वालिटी, जितना उसमें गुल्ला मोटा बम्पर काट निकली होगी, अच्छा, उतना उसका अच्छा रेट होगा। अच्छा जी। आज चंदोसी का ये सूर्य कोई 800 का भी बिक रहा है, और चंदोसी का ये सूर्य 1000 का भी बिक रहा है। अच्छा, वो क्वालिटी ही है जो ये इतने स्टैम्प फ्रैक्शन इतना डिफरेंस मंडी में ले आई है। डंप की अगर हम बात करते हैं तो वही 15-16 हजार कट्टे नीचे उतरे हुए हैं, और ये जो डंप है ये धीरे धीरे वही आलू है जो ज्यादा हल्के लॉट है, या ज्यादा हाइब्रिड लॉट है, या जिसमें शिकायत है, ये धीरे धीरे करके ऊपर नीचे रेटों के ऊपर इस आलू को ग्राहक के हिसाब से हमको देना पड़ रहा है। बाकी कोशिश यही रहेगी, कल शुक्रवार शनिवार है, ये आखिरी नराते होते हैं, थोड़ा सा हमको इसमें अगर हमारी अराइवल थोड़े हमारे किसान भाई व्यापारी भाई सही रखते हैं तो हमको कल परसों बाजार में थोड़ा सा कहते हैं ना अच्छा हमको उठाव देखने को मिल जाएगा। चलिए, रेट बढ़े ना बढ़े लेकिन हमको बिक्री जरूर अच्छी देखने को मिल सकती है। उठाव होना चाहिए, उठाव होएगा, डंप कम होएगा रेट पे अपना। राणा जी मेन चक्कर यही है ना कि इस टाइम पे जो क्वालिटी जो कहते हैं ना बिलो एवरेज आलू, बिलो एवरेज का मतलब हो गया जो हल्की क्वालिटी के आलू होते हैं ये मंडियों में आ रहे हैं, और उतने ही आ रहे हैं जितनी ये इनकी जो आवक है मंडी के अंदर वो 70-75-80% है। जो काम की गाड़ियां हैं वो मंडी में से इस टाइम 20-25% आ रही है, तभी हमारे पास इतना अराइवल बढ़ रहा है कि हम 130-135 गाड़ी के अंदर हमारे पास 70 गाड़ियां बच रही हैं। अच्छा, अगर 70 गाड़ी बचने का मतलब यही है कि हमारे पास जो क्वालिटी वाला आलू है वो तो बिकना ही बिकना है, हाँ जी। चाहे वो आज 200 गाड़ी भी हो जाए वो भी बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन बात वही है कि मैं सिर्फ यही चीज अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे आलू बिलो एवरेज चल रहे हैं या जो आपको लगता है कि दिल्ली की क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, या उसमें कच्चा छिलका है, या फिर कुछ चीज आपको लगता है कि इसमें आलू में शिकायत है, वहां पे जाके नहीं बिकेंगे, आपके इंटरव्यू सब फॉलो करते हैं, उनको क्लियर पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी दिल्ली के हिसाब से है कौन सी नहीं है, उस आलू को अपने लोकली मंडी में आसपास मंडी में, या पहले भी मैंने बताया था जो आलू जिस मंडी में बिक सकते हैं वहां पे भेजे, उस मंडियों में आलू उस हिसाब से भेजा जाए जहां पे उन आलुओं की बिक्री है। आज मेरे पास बिक्री ना हो मैं उल्टे सीधे आलू मंगा के रख लूं क्या होगा? डंप बढ़ेगा, गाड़ियां खड़ी रहेंगी, व्यापारी भी खराब होगा, हमारा खुद का भी मूड खराब होगा, और हम लोग उस आलू को बेच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, बेटर है ना वो आलू मंगाओ, रोज मंगाओ, कहते ना थोड़ी खाओ रोज खाओ।
ठीक है जी, बंदे को वैसा काम करना चाहिए। यहाँ पे झुंड नहीं लगाना हमने गाड़ियों का कि हमने झुंड लगा दिया उठा के सामने दिखाने दिखावा। हम अपने आप को अड़ते समझ रहे कि हमारे पास 8 गाड़ी है, आज हमारी शान बढ़ गई। शान वो नहीं कहलाएगी, शान वो कहलाएगी जो गाड़ियाँ, जिसके पास गाड़ियाँ हो 1, 2 या कम, लेकिन उस गाड़ियों को किसान के हिसाब से, व्यापारी के हिसाब से बढ़िया रेट पे बेच के दिखाए, वो शान कहलाना, वो उसको सही मायने में आड़ती कहते हैं। चलिए धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है 982 जसकरण ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99999 39604 99999 3964।